विवेक बंसल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक बंसल जी, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम चल रहा है, कुछ विधायकों से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि जो पार्टी के खिलाफ हैं उनको पार्टी से बाहर कीजिए, लेकिन फिर भी बार बार ये कोशिश की जा रही है कि जो बगावत करके गए, जिन्होंने पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, जिन्होंने सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की, उनके साथ एक बार फिर से बातचीत की जाए। देखिए, ये तो जो भी आप कह रहे हैं या बात करने की, हमारी तरफ से हमने दरवाजे, आपको याद हो कि हमारे एक नेतृत्व ने ये कहा था कि दरवाजे उन लोगों के लिए खुले हुए हैं, और जो भी कई भूला हुआ अगर आता है, घर वापस आता है, तो कहते हैं ना कि घर के दरवाजे बंद नहीं मिलने चाहिए। तो हमारी अभी भी वही, हम तो उस पर टिके हुए हैं जी। इन लोगों को कांग्रेस ने इनको जो भी कांग्रेस की संस्कृति में पले हैं जी, तो अगर ये मूलभूत से रूप से अगर इन्हें पश्चाताप है और ये वापस आना चाहते हैं तो स्वागत है पूरा। अच्छा विवेक जी, अगर मान लेते हैं, एक बार मान लेते हैं कि सब वापस आना चाहते हैं, तो क्या जो जिस जिम्मेदारी पर उसी जिम्मेदारी पर वापस आ जाएंगे, या उनकी जिम्मेदारी बढ़ाने का प्रस्ताव भी दिया गया? मैं कुछ कहने के लिए स्पष्ट रूप से अधिकृत नहीं हूँ, वो सामूहिक निर्णय होगा, पार्टी उस पर क्या टेक लेती है वो लोग तय करेंगे। तो आप मुझसे कोई अपेक्षा इस बारे में करें, पर मैंने कहा कि सम्मान से होगा तो वो उसमें बहुत सी चीजें आ जाती जी। तो सर, सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, पहले सुबह 10 बजे होनी थी, फिर 1 बजे होनी थी, अन्य विधायक भी नहीं आ रहे हैं, तो क्या इस बीच ये माना जाए कि उधर से भी नरमी दिखाई जा रही है और अब जो स्टैंड लेना है वो इधर से भी हो सकता है? कुछ ऐसा है कि प्रपोजल को लेकर बातचीत हो रही है? अब इसके जितने भी आप मतलब निकाल सकते हैं, आपको निकालने का अधिकार है, आप स्वतंत्र हैं जी। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, खुद जब जो चीजें बहुत स्पष्ट हैं तो आप मुझसे क्यों कहवा रहे हैं। तो सर, मैं एक और चीज, क्योंकि आज दो तरीके की बातें हुई, एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कि जो रगड़ाई करके नहीं आए हैं उनको ऊंचे पदों पर पहुंचा दिया गया, दूसरा विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से नोटिस दे दिया गया कि आपको आना पड़ेगा, यानी कि कसकर रखा गया है उनको। रणदीप सुरजेवाला कहते हैं कि अभी भी बातचीत हो रही है, तो सर या तो बातचीत हो रही है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, बीच का क्यों रास्ता, एक तरफ से कुछ दूसरी तरफ से कुछ? देखिए, रणदीप सुरजेवाला जी ने जो बयान दिया है वो पार्टी का आखिरी बयान है, वो स्पष्ट है जी, उससे हटके ना मैं कुछ कहना चाहूंगा और मैं उसको अपने को उसी में ही समायोजित करूंगा जी। तो सर अभी ये तो आप बता पाएंगे कि सरकार के पास पूरा बहुमत है? जी हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है बहुमत, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं सरकार बहुत सुरक्षित है, बहुत बहुमत के साथ है और बहुत नीति स्पष्ट है जी, आगे आने वाले भविष्य को लेके, आने वाली नीतियों को लेके, आने वाले राजस्थान की प्रगति और तरक्की को लेकर। तो सर, होटल पॉलिटिक्स कब तक रहेगी, क्योंकि एक वक्त में आकर तो बाहर काम करना पड़ेगा। देखिए, होटल पॉलिटिक्स की जहां तक बात की, होटल में पहले कौन गया जी? आपने होटल पॉलिटिक्स हो तो होटल पॉलिटिक्स, देखिए एक छत के नीचे जब रहते हैं होटलों में, ये सोशल डिस्टेंसिंग मुमकिन है जी। आज कोरोना का दौर है, कहीं एक भवन में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप नहीं रह सकते हैं जी, तो ये मुख्य कारण है होटल में रहने। तो सर अभी भी ये डर सता रहा है कि या तो बीजेपी किसी को तोड़ देगी या जो अंदर विधायक हैं उनमें से कुछ सचिन पायलट के साथ चले जाएंगे, ये डर है सर? नहीं, हमें कोई डर नहीं है, हमें इस मामले में कोई डर नहीं है, हमारे सब विधायक एकजुट हैं, एक मत के हैं और पार्टी के साथ हैं, कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, वो कोई आशंकाएं नहीं है। सर इंतजार इस बात का किया जाएगा कि बीजेपी की तरफ से फ्लो टेस्ट की मांग की जाए, सरकार खुद अपने स्तर पर फ्लो टेस्ट के लिए तैयार है? वो जो जो स्थिति समय आएगा हम अपनी नीतियां आपके सामने रख देंगे और स्पष्ट कर देंगे। अभी कितने विधायक साथ हैं सर? हमारे साथ 103 104 हैं। 103 से 104 विधायक आपके साथ होटल में मौजूद हैं सर? 109 हो जाएंगे, हमने 109 पहले दिन कह के चले थे, वो 109 होंगे। अच्छा, क्योंकि आप सर राजनीति को बखूबी जानते हैं, संगठन के लिए भी काफी काम आप करते हैं, आपको लगता है कि अगर अब ये विधायक वापस नहीं आते हैं, जिनमें मैं सचिन पायलट को भी काउंट कर रहा हूं, तो फिर ये तय माना जाए कि उनकी सदस्यता रद्द की जाएगी और बाई इलेक्शन में कांग्रेस जाएगी? मैं उस संदर्भ में अभी कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि आदरणीय हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी का मत है कि अगर वो आ सकते हैं तो उनको लिया जाए, उससे पहले मेरा कोई ऐसा बयान नहीं होना चाहिए कि जिससे उनके आने में कोई अवरुद्ध उत्पन्न हो।
लेकिन ऐसे बयान तो आ रहे हैं सर, अलग अलग नेताओं के जरिए आ रहे हैं। जो दे रहे होंगे वो दे रहे होंगे, मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, मेरा जो भी बयान है वो राहुल जी की नीति स्पष्ट आने के बाद उसी से संबद्ध है। जी, अंतिम इंतजार कब तक किया जाएगा सर? अब कर रहे हैं, अब जल्दी जल्दी सब चीजें उस सबका पटाक्षेप हो जाएगा। सर खबरें कुछ इस तरीके की हैं कि सचिन पायलट ने राहुल गांधी जी से मिलने की बहुत कोशिशें की लेकिन मिल नहीं पाए। खबरें ये भी हैं कि डेढ़ साल से वो लगातार अपनी बात को कहना चाह रहे थे, वो कह नहीं पाए। देखिए देखिए, मैं इन सब चीजों में विश्वास नहीं करता। जिसको जब किसी से जब जब रास्ता छोड़ना होता है तो वो 10 चीजें कह सकता है। जी, जो आपको भी मालूम है कि वो राहुल जी के मित्र हैं, रहे हैं। जी, राहुल जी की किससे कितनी घनिष्ठता रही है ये जग जाहिर है, जी मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जी, और उसके पश्चात अगर वो ऐसा कहते हैं तो खुद आपको उसका मतलब निकालना चाहिए कि क्या उसमें सत्यता है। तो सर मैं इसका मतलब क्या ये निकालूं कि राहुल गांधी का जो नेतृत्व है, जो पकड़ है, वो थोड़ी कमजोर हो रही है, इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया छिटक गए, सचिन पायलट छिटक गए, या फिर राहुल गांधी में विश्वास कम हो रहा है? कमजोर नहीं है, इनकी महत्वाकांक्षा नेतृत्व से ऊपर हो गई है। जी, इसलिए राहुल गांधी के करीबी जितने भी लीडर्स थे, चाहे वो सदन में बैठे दिखाई देते थे, वो सब हट रहे हैं। आज एक तरुण गोगोई जी, पूर्व मुख्यमंत्री आसाम, ने ये ट्वीट किया है कि इन नौजवानों के साथ ये है कि ना तो सिर्फ ये बहुत जल्दी सब कुछ पाना चाहते हैं, पर इन्होंने की रगड़ाई नहीं। जो मुख्यमंत्री जी ने कहा, उन्होंने कहा है कि इन्होंने संघर्ष नहीं किया है, और उसमें उन्होंने समाहित किया है अपने बेटे को भी। कहने लगे मेरा बेटा भी उसमें आता है। जी सर, उम्मीद करें कि राहुल गांधी जल्दी जिम्मेदारी संभालेंगे वापस, हम सबों की आकांक्षा है। लेकिन ऐसा लगता नहीं सर कि जब से राहुल गांधी अध्यक्ष पद से हटे हैं तब से युवा छिटक रहे हैं? युवा क्या, पार्टी कहीं ना कहीं तो मैं सोनिया जी का अपना नेतृत्व का अनुभव है, पर लेकिन उनके साथ उनकी सीमाएं हैं, आयु को लेके, उनकी बीमारियों को लेके। जी, राहुल गांधी जी के बिना हम सब लोग दिशाहीन हो रहे हैं, उनके प्रत्यक्ष नेतृत्व के बिना। जी, ऐसा लग रहा है सर, क्योंकि इस तरीके की आवाजें बहुत उठ रही हैं कि कांग्रेस के अंदर सेकंड लाइन को खत्म किया जा रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सेकंड फर्स्ट लाइन कोई नहीं होती, नेतृत्व सामयिक होता है, कोई नहीं फर्स्ट लाइन। ये आप लोगों की उत्पत्ति है, सेकंड लाइन फर्स्ट लाइन आप लोगों का की तरफ से इसको इसका उत्सर्जन उसका होता है, ऐसा कुछ नहीं है। लाइन सब एक सी होती है, सब नेतृत्व जब होता है, सीडब्ल्यूसी में युवा भी हैं, अनुभवी भी हैं, सब लोग होते हैं, तो वो सीडब्ल्यूसी कह लीजिए कहलाई जाती है। ये नहीं होता कि फर्स्ट लाइन ऑफ सीडब्ल्यूसी, सेकंड लाइन ऑफ सीडब्ल्यूसी। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो युवा है वो भी नेतृत्व क्षमता उतनी ही रखते हैं जितने बुजुर्ग रखते हैं, अगर बशर्ते वो जमीन से संघर्ष करके आए हों? सचिन पायलट को आप उस श्रेणी में रखते हैं सर? जबर रखने की क्षमता हो तो विवेक जी, सचिन पायलट को उस श्रेणी में रखते हैं, उस श्रेणी से बाहर रखते हैं? वो तो अब आपको उसका मतलब निकालना होगा, आप लोग खुद बहुत सरीखे वाले हैं, आप सब लोगों की बड़ी पैनी नजर रहती है, आप उसको परिभाषित आप लोग कीजिए। तो विवेक जी, अंतिम सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि अब जीरो से अगर सचिन पायलट हटे हैं तो उनके साथ बहुत से जिला स्तर पर नेता हट चुके हैं, ब्लॉक स्तर पे उनसे जुड़े हुए नेता हट चुके हैं, तो आपको लग रहा है कि जो 5 साल सचिन पायलट ने सींचा है कांग्रेस के लिए, वो अचानक से खत्म होगा और डोटासरा को जीरो से शुरू करना पड़ेगा? ऐसा नहीं है, बिल्कुल जीरो से नहीं, वो वहाँ कम पेशतर वहीं से होगी शुरुआत, और जो जिन्होंने छोड़ा भी है वो सब वापस आएंगे, सब वापस आएंगे। ठीक है विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए। यकीनन आपने सही कहा कि कुछ सवालों के जवाब आपके पास नहीं है और वो नेतृत्व के जरिए ही मिल सकते हैं। बहरहाल नेतृत्व सीधा कुछ नहीं।